नैनपुर नगरी चुनाव में जहां मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों द्वारा अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने की कोशिशें जारी है। जहां बड़े राजनीतिक दल स्थानीय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी किसी से कमजोर नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों की हालत खराब करके रखी हुई है और चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न तरीकों से प्रचार कर चुनाव जीतने की उनकी कोशिशें जारी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की वोटरों से निवेदन कर रहे हैं। उसी क्रम में वार्ड क्रमांक 13 से निर्दलीय प्रत्याशी महेश चौटेल भी अपने साथियों के साथ चुनावी समर में कूद पड़े हैं और क्षेत्र और नगर विकास की बात कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी महेश चौटेल ने वार्ड के लोगों से निवेदन किया है कि उन्हें आशीर्वाद देकर विजय बनाए। उनका कहना है कि वार्ड की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए प्रयास की जरूरत है ताकि शासन की अनेक लाभकारी योजनाएं मतदाता तक पहुँच सके। श्रीमान महेश चौटेल जी खड़े हुए हैं, उनके लिए वोट मांगने आए। क्यों मांगने आए हैं? क्योंकि वो समाज सेवी है, मददगार हैं और जुझारू है, कमट है, योग है, वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और वार्ड के लिए भी कुछ करेंगे। सेवा निरत है और ये हमेशा समाज सेवी रहे हैं और ये अभी इस साल से रही राजनीति में नहीं आए हैं, विगत वर्षों से ये हमारे समाज सेवी रहे हैं, हमेशा सबकी सहायता किए हैं, इसलिए हम इनको वोट देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये सभी लोग इनको वोट दें और इनको वार्डवासी बनाए ताकि ये सभी की सहायता कर सके। जो नैनपुर के हैं, इन्होंने गरीबों की बहुत मदद करी है। रेलवे रिटायरमैन है ये, लेकिन ये गरीबों की मदद ही करना चाहते हैं और झांसी ग्राउंड में जो भी खेल कूद होते हैं उसमें बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इनाम दिया जाता है इनके द्वारा। ये इनकी एक विशेषता है कि नैनपुर नगर के नागरिक होने के बावजूद रेलवे रिटायर्ड हैं। इसके बाद सभी मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग के लोगों की हेल्प मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें चुना है और हम सबने ये ठाना है कि महेश चौटेल को ही जिताना है। रेलवे मैन हूँ और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, शोषित पीड़ितों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुनाव में आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रेलवे कर्मचारी भी इसमें अपना सक्रिय परिचय दें और चुनाव लड़ें। और उसके बाद मेरा ये उद्देश्य है कि मैं भी जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए मैं प्रोत्साहित दान भी करता हूं और उनका मनोबल बढ़ाता हूं, यही है। और बहुत से शोषित पीड़ितों का काम करना चाहता हूं, जो कि सारे लोग जो हैं हर काम से वंचित रहते हैं, मैं उनकी पूरी तरह मदद करना चाहता हूं। नैनपुर नगरी चुनाव में जहां मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों द्वारा अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने की कोशिशें जारी है। जहां बड़े राजनीतिक दल स्थानीय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी किसी से कमजोर नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों की हालत खराब करके रखी हुई है और